इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, सुनती आंखों देखते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे हैं। हमारे प्रोग्राम को ताबुन किया है किट को चुसनी बनाने वालों ने, किट को चुसनी वाले अपने प्रोग्राम देते हैं, अपने बच्चे के मुंह में एक दफा किट को चुसनी लगा दे, बच्चा सारी रात सोता रहेगा। चाय चाहिए तो है। ये गर्मियों की सुहानी शाम की बात है। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था तो मुझे एक लड़की वहां से जाती हुई दिखाई दी। मैं सिदरा ने कहा कि नहीं, मैं एक मछली की लड़की हूँ, मेरे अब्बू से बात करिए। तो हिंदी में आतिशफिशा पहाड़ को और जो जलजला आता है उसको क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। हिंदी में आतिशफिशा पहाड़ को क्या कहते हैं? वोल्केनिक लावा कहते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। यार आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन है क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, एक पाकिस्तानी फैमिली है कोरिया के अंदर, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इनवाइट किया मुझे वहाँ पे आके, कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ यू नो क्या नाम है, खाना शाना खाएंगे पाकिस्तानी। तो अभी बस निकल रहा हूँ मैं, मुझे उन्होंने इन्वाइट किया था 9:10 बजे और अभी 9:30 हो गए, मैं अगेन लेट हूँ। लेकिन खैर एनीवेज, जब मैं लेट होता हूँ तो मैं क्या यूज़ करता होता हूँ, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आज उनके रिव्यू करूँगा थोड़ा सा बिफोर आई गो आउट। और ये इन्होंने भेजे थे मे आईलैंड, एक बहुत अच्छी कंपनी है कॉस्मेटिक्स की। पहले तो आप लोग भी बताओ कि कोरिया की जो कॉस्मेटिक्स है, कोरिया की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या आप लोग वाकई समझते हो कि कोरियन लोग प्यारे होते हैं या नहीं, तो वो भी लाजमी बताओ। सेकेंडली, तो मैं जो है ना, क्योंकि हमेशा मैं लेट होता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा ये जब इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चेक करें आप, इसके अंदर क्या नाम है, फेस वॉश भी है, ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन शावर, इसके अंदर फेस वॉश भी है, इसके अंदर जो क्या नाम है डिओड्रेंट भी है, इसके अंदर शैम्पू भी है, कंडीशनर है, एवरी थिंग इज़ जस्ट इन वन प्रोडक्ट। इसी तरह जब मैं लेट होता हूँ तो मैं अलहदा से क्रीम ही नहीं लगा रहा होता, या पहले यू नो लोशन, उसका क्रीम, फिर सनक्रीम, उस तरह नहीं करता, मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इमल्जन भी है, इसके अंदर सनक्रीम भी है, इसके अंदर आफ्टर शेव भी है, और भाई ने अभी आपके शेव की हुई है। एनीवेज, इन दोनों की जो है ना लिंक्स मैं लाजमी जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करें इनकी वेबसाइट, और आप लोगों को भी फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए हो और आप लोगों को इस टाइप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें और इनके काफ़ी जो है ना गिव अवेज आते हैं तो लाजमी चेक करें। एनीवेज, चलो चलते हैं अभी पाकिस्तानी खाना खाने, क्योंकि वाकई भूख बहुत लग गई है, लेट्स गो। जी पहुँच गए हम लोग, और मेरे ख्याल में ये कोई और पाकिस्तानी भाई भी हैं यहाँ पे। खैर चलो, सो माशाल्लाह जो है ना अमान भाई और जाहिद भाई और साथ में जो है ना सादिया जो है ना ये देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग थिंग, लाइफ चेंजिंग थिंग। तो जाहिद भाई माशाल्लाह मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है ना इनके पास आर्ट है ये। तो जाहिद भाई, अभी तारिक अज़ीज़ एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट थे जो हमने लूज़ किया है 2020 में, तो अल्लाह ताला पहले उनकी मगफ़रत करे। तो जाहिद भाई आप जो है ना उनकी कॉपी याद ताज़ा करें। जी इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, सुनती आंखों देखते कानों आपको तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे प्रोग्राम को ताबुन किया है किट को चुसनी बनाने वालों ने, किट को चुसनी वाले अपने प्रोग्राम देते हैं, अपने बच्चे के मुंह में एक दफा किट को चुसनी लगा दे, बच्चा सारी रात सोता रहेगा। किट को चुसनी माशाल्लाह। तो ये शीजंग वाले कबाब है कि नहीं? शीजंग वाले कबाब है। नाउ लाइक आप बताओ कि ना ये सारी चीजों के नाम क्या हैं? आई वांट टू सी कि हाउ फूडी फूडी पर्सन यू आर। नहीं नहीं आओ तो चलो सबसे पहले बताएं, उसके बाद हम भाभी से पूछते हैं। पहले आप बताओ ये क्या चीज है, व्हाट डू यू थिंक? ये है चिकन सीख कबाब। चिकन सीख कबाब राइट? अभी बताया। अच्छा नहीं, ये तो चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग हो गई। अच्छा रोस्ट या सिर्फ ब्रोस्ट? लाहौर नो no, ये तो भाभी ने बता दिया सारा, जो आपी ने बता दिया सारा। वो चिकन रोस्ट है, ये क्या है? ओके थैंक्स। ये चिकन मतलब फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन है। ओके रोस्ट वो तो पता है। चपली कबाब है ना, वो चपली कबाब। चपली कबाब, चपली कबाब। समोसे
जीत गई है डिश वॉशिंग साथियों चीटिंग नहीं करो आप करो शाबाश बर्तन धो के नहीं साथ अभी बन रही है वैसे लाइक बिफोर पहले इन्होंने नहीं कहा था चाय चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लाजवाब बन के बिस्तर बोरिया तो गाइस अभी हमारे साथ हैं जो जाहिद भाई और अमान भाई अमान भाई से हम क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने कोरियन में पीएचडी की हुई है तो हम उर्दू लैंग्वेज का उर्दू जबान का एक मुहावरा कहेंगे और इन्हें कहेंगे वो कोरियन में ट्रांसलेट करें तो देखते हैं कि कितनी माशाल्लाह इनकी कोरियन अच्छी है ये जाहिद भाई जज हैं तो अमान भाई ट्रांसलेट करना आपने मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर ने छुआ नंसार में छत नूने फाने ता रश के कमर जवान मेरे रश के कमर रश के कमर अबे रश के कमर पहले मुझे मतलब समझा दीजिए ओके कमर कहते हैं चांद को हां जी चांद चांद कमर कहते हैं चांद को रश के कमर कहते हैं आई डोंट नो फखर हां कमर का जो रक्षा इवन लाइक द चांद वो फखर कर रहा है इस बंदे ने नहीं वो रश होता है ये रश के कमर है रश के कमर सही छासांग सरोन तारी छासांग सरोन तारे छा किया छुत नूने पाने ता मजा खराब कर दे गाने का मैं गाने तो नहीं मैं से ट्रांसलेट कर रहा हूं उस टोन में करने हैं इस टोन में करने हैं आपने इस टोन में यार कितना प्यारा मेरे रश के कमर तूने पहले अच्छा मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं वो नजर से मिलाई बाजा आ गया मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं वो टोन में जो है जायज भाई बोल लेते हैं अच्छा सही है चल ऐसे कर लेते हैं एक्सेप्टेबल ने छारा छासांग सरोन तारे छा किया छत नूने पानेता नीने नारेल फोमेंसो नानन हेंगबुक हेजोता ओ भूल गया पास हो गया ना पास 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 घड़ी पे चूहा नाचा घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया चले ट्रांसलेट करें भाई देखते हैं क्या पीएचडी की आपने खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां इसको ट्रांसलेट करें खड़कता है खड़क सिंह ट्रांसलेट इनटू कोरियन खड़क सिंह कहां गया यार वैसे इसके ट्रांसलेशन बड़ी वो है मजे की है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खड़क सिंह हिंदी लिन लिन छांगमन दो हिल लिन लिन हिंदी लिन 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 चले भाई ये कि माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी पंजाबी है ना हां पंजाबी पंजाबी तो इनको नहीं आती है But he understands. माही आएगा यानी कि मैं फूलों के साथ धरती को सजाऊंगी छाई गांव में ना थोने खसरो ई मादागल था चंगसिक हेचुगेसिबनिदा फाइनली बार बारी आते जाहिद भाई अभी आपने पूछना है इन जाहिद भाई से कुछ अच्छा मैंने सवाल पूछना है अब इनकी भी बारी आनी चाहिए ना अच्छा मैं जो है ना मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि मैं जो है ना जाहिद भाई से ये पूछना चाहूँगा कि जब जाहिद भाई ने पहली दफ़ा सिदरा आपी से कब जो है ना वो फानिसो मोहब्बत में फॉल इन लव हो गए थे वो स्टोरी हम उनसे आज सुनना चाहेंगे और कोई टिप दें ये आज कह रहे थे कि जो है ना वो आज कह रहे थे कि किंग सेजोंग के मजार के पास जुमरात को जो है ना शाम को मगरिब की नमाज के बाद लव गुरु बनते हैं तो आज ये हमें जो है ना वो टिप्स देंगे जी लव गुरु ठीक है जाहिद भाई ये गर्मियों की सुहानी शाम की बात है मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था तो मुझे एक लड़की वहां से जाती हुई दिखाई दी ला 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 लड़के पे वो मरती नहीं उल्टा हो गया ना एक लड़का सा दीवाना था अच्छा लड़की पे वो मरता था चलो हां गलत हो गया गलत मूवी देखी
तो एक्चुअली एज सच कोई बहुत बड़ी कोई लव स्टोरी वाली बात नहीं है, बस ये था कि जो पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी थी उसमें मैंने देखा सिदरा को, और जो है वो हमारी बातचीत भी थी क्योंकि हम लोग एक जगह पे यानी के काम भी करते थे, एक यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ते थे, तो नहीं नहीं मजा नहीं आया, चेंज चेंज थोड़ा सा ऐड सम स्पाइसी मसाले मसाले डालें, मसाले मसालों की दुनिया से आए हुए हैं, मसाले होने चाहिए, खाने पसंद नहीं। हां तो हमें खाने खाने वाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो जो है हम लोग जब खाना वगैरह बनाते थे खाने को वाले लेके आए यार, ये क्या कह रहे हैं भाई, सिद्ध आप आपको खाना हाँ तो मैंने सुना ये था कि जो सिराई की होते हैं वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन तो और उसके बाद जो है वो हाँ मुझे लगा कि हमारे माइंड जो है वो मिलते हैं, और मुझे लगा कि हमारे माइंड्स मिलते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सिदरा को जो है वो ऑफिशियली प्रपोज किया, तो सिदरा ने कहा कि सिदरा ने कहा कि मैं एक मछली की लड़की हूँ, मेरे अब्बू से बात करिए। तो फिर मैंने सोर्स लगाई, फिर मैंने भाई ऊपर से, फिर मैं ऊपर से आया यूं करके, फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी मोहतरमा मैं जहर खा लूंगा मैं जहर खा लूंगा, मेरे लिए जो है ना जाके बात करें, तो अम्मी ने बहरहाल फिर वो अम्मी के भाई के साथ जो है वो गई मुल्तान, उन्होंने जाके सिदरा की अम्मी से मुलाकात करी, और जब दोनों खानदान आपस में मिले उनकी नजरों से नजरें मिली तो ये तो एंड रिजल्ट जो यहाँ पे पढ़ा के मिलने का एंड रिजल्ट इज माशाल्लाह उरवा सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट माशाल्लाह, बाल चुड़ैल बनी हुई है जो है वो बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन है क्योंकि इनके बहुत ज्यादा इंडियन फॉलोअर्स हैं और बंगाली फॉलोअर्स भी हैं, तो इनसे हिंदी के दो सवाल हैं कि हिंदी में आतिशफिशा पहाड़ को और जो जलजला आता है उसको क्या कहते हैं, बहुत आसान सवाल है हिंदी में आतिशफिशा पहाड़ को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पहाड़ को लावा तो मैं थोड़ी इंडिया से आई हूँ मुझे किसी पता फॉलोवर्स हैं हाँ लेकिन यार क्या मुश्किल सवाल पूछा मुझे नहीं पता, जलजला क्या बोलते हैं, जलजला जलजला बोलते होंगे, जलजला नहीं जी तो वो लोग बोल ही नहीं सकते, वो जलजला जलजला जलजला, और दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा था आतिशफिशा पहाड़, आतिश क्या हेल्प करो ना क्या, मुझे भी नहीं पता इसको भी नहीं पता मुझे कैसे पता होगा क्या मेरे इंडियन फॉलोअर्स शहद की मक्खी भड़कना 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 क्या भड़कना मधुमक्खी ठीक है। मेरे सवाल का बेसिकली मकसद यही था कि मुझे लगता था कि जो सिदरा ने शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुरख जोड़े में चांद से दुल्हन फलक से जमी पर परी आ गई है, सुहाना लगता है दुल्हन का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है,
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और ये जो गजल पेश की गई थी, इसके लिए ताबून किया था हमें उपटन टर्मेरिक क्रीम बनाने वालों ने। यानी खानदानी मलाखड़ा पेश करने वाले लगे हैं हम। मलाखड़ा पता है आप लोगों को? सिंधी में कश्ती कुश्ती को कहते हैं, कुश्ती होती है ना, कबड्डी को। हाँ जी, मलाखड़ा कहते हैं। अभी हम खेलने लगे हैं इनकी जाहिद भाई की खानदानी गेम। और नाम क्या था इन्होंने, क्या बताया? मलाखड़ा। मलाखड़ा खानदानी मलाखड़ा, खानदानी मलाखड़ा तगड़ा लाइक। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर जो है वो ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो कि मुश्किल से चीजों को, हैवी चीजों को उठा सकते हैं आसानी से। तो वो पेश करने के लिए, जो हैवी चीजें उनको पेश करने के लिए जा रहे हैं। ये वो हैवी चीजें हैं, ये हैवी चीजें हैं। मलकड़ा है सादिया वर्सेस अमान भाई, राइट? अमान भाई, यस यस यस। आपको पैगाम देना चाहेंगे? मैं भी अमान भाई के साथ हूँ। इस गेम को खेलने से पहले आपको पैगाम देना चाहेंगे? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गेम खेलने का। और मैं गेम खेलते आए जो भी गेम खेलता हूँ मैं हार जाता हूँ, लेकिन ये गेम मैं जो है जीतने की कोशिश। इंशाल्लाह, वी आर विद अमान भाई। आपका क्या पैगाम है? कुछ नहीं है, मैं अभी जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से खेल के मैं खा लूंगा। ये टाकरा शुरू होने लगा है। ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदें बरस रही है, उसकी आवाज आ रही है। सादिया गई, सादिया हार गई। सादिया छोड़ दो, सादिया छोड़ दो, सादिया छोड़ दो। नहीं नहीं, करो 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 तो सही। नहीं नहीं, करो करो करो। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बताता हूँ। अमान भाई, अमान भाई, ये अमान भाई, अमान भाई, ये अमान भाई जीत गए। डाल दिया था मैंने, छुपाया हुआ था वो। कहा गया यार, रियली मुझे ये लगा कि इसने मिक्स कर दिया। सादिया क्या हो गया? बोल के दिखाओ कोई। किफित निफे पफे सफे लिफे निफे हफे अफा फफा कफा कस कफोर फे फे अफा ज पफे फफा फफी फफू फी शा अमान भाई कफे यफा कफा कफर रफे फफो किरे कफा कुफू कफी कफे कफा तफर फिर फुर फुर तफर फिर फा YouTube करनी है आपने, सादिया ने YouTube करनी है, आप आ जाओ। लगे चलो, बेचारी गिर गई है। दाशी आने होगी, कैसे हो तो के? ये ना वो कैसे हो, ओरियंस करते हैं। कैसे हो?